हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये राजस्थान की फेमस रेसिपी है खूबा रोटी। तो फ्रेंड्स, ये जो खूबा रोटी है, इसकी खासियत क्या है और कैसे बनती है, ये सब मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी। और आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर तो ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लेना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बताती हूँ कि ये जो खूबा रोटी है ये कैसे बनती है और किन सामान के साथ में बनती है और कितनी टेस्टी है और कितनी हेल्दी होती हो। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक परात ली है और उसके अंदर मैंने डाल दिया गेहूँ का आटा। और ये जो मेरा आटा है ये मल्टीग्रेन आटा है, और उसके साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी अजवाइन, ताकि ये जो रोटी है वो थोड़ी सी हैवी होती है तो प्रॉब्लम ना करे पेट में। और उसके साथ में मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी को मैंने पत्ते के साथ डाला है, क्रश नहीं किया है। और उसके बाद में हल्का सा नमक, मतलब नमक आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप रोटी में नमक चाहते हैं, पर ये नमक के साथ में ये रोटी अच्छी लगती है। और हल्की सी मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जो मेन इसमें चीज़ डलेगी वो है देसी घी। जी फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं 4 से 5 जो चम्मच हैं वो देसी घी की डालूँगी, क्योंकि जितना आपका आटा है उसी के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। तो मैंने एक कटोरी आटा लिया है, तो 4-5 चम्मच इसमें काफ़ी हैं। तो देखिए, जो घी है उसको मैं अच्छे से जो आटे में मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इस आटे को मैं एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी। ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं करना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, जैसे नॉर्मल मीडियम आटा तैयार करना है हमें। तो चलिए, मैं आप लोगों को ये आटा तैयार करके दिखा रही हूँ, उसी तरीके से आप भी बना लीजिए। और फ्रेंड्स, ये जो रोटी है वो बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको कढ़ी के साथ में, दाल के साथ में, किसी के साथ में, चटनी के साथ में, दही के साथ में, क्योंकि इसमें हल्का सा नमक और मिर्च भी है तो दही के साथ में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना दिया है, और डो को मैं अच्छे से थोड़ा गूंथते हुए, और थोड़ा सा थोड़ी देर इसको मैं गूंथूँगी, और उसके बाद में हमें इसको छोड़ देंगे रेस्ट पर। तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी, और जैसे ही ये 4-5 मिनट हो जाएंगे ये अच्छा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, 4-5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको छोड़े हुए, और थोड़ा सा इसको मैं घी लगा के और थोड़ा सॉफ्ट और कर लूँगी। तो बस घी लगाने के बाद में थोड़ा सा इसको मस लेंगे, और मसलने के बाद में इसकी रोटियां तैयार कर लेंगे जी। और आप लोगों को एक बात बता दूं, ये रोटी जो बनती है ये पतली नहीं बनती है, थोड़ी मोटी रोटी बनती है। इसको मोइन की रोटी भी बोलते हैं, अगर मसाला नहीं डालें तो ये मोइन की रोटी भी होती है। तो देखिए, बस मैंने इसको 4 भागों में बाँट लिया है। इसकी रोटी जो है थोड़ी हैवी बनती है, आप इससे भी भारी बना सकते हो। तो ये मैंने आटा जो डो बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट कर दिया है, और उसके बाद में इसकी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए आटा कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, और ये मैंने पूरी रोटी बेल ली है, और उसके बाद में हम ऐसे करते हुए चारों ओर रोटी के ऊपर डिजाइन बना देंगे। तो बस ऐसी डिजाइन बना देनी है, और फिर उसके अंदर हम भी हम ऐसे करके गड्ढे गड्ढे सी डिजाइन बना देंगे। इसका मेन पर्पज होता है कि रोटी भी अच्छे से सिक जाए, क्योंकि रोटी हैवी होती है तो वो रोटी अच्छे से सिक जाएगी और जो घी होता है वो इसमें होल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये डिजाइन बना देनी है, और उसके बाद में हमें इसको सेक लेना है। तो मैं इसको सेक रही हूँ मिट्टी का तवा है उसके ऊपर, आप चाहे तो इसको लोहे के तवे पर भी धीमी आंच में सेक सकते हैं। तो मैंने मिट्टी का तवा है उसके ऊपर इसको सेक दिया। तो आप लोगों को दिखाऊं, देखिए कितनी बढ़िया रोटी सिक के तैयार हो गई है। और हल्का सा हमें इसको गैस के ऊपर भी सेक लेंगे, तो गैस पर जैसे इसको सेकेंगे तो ये कुरकुरी होकर बहुत ही बढ़िया हो जाएगी और खाने में बहुत स्वाद लगेगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरी रोटी मोटी है फिर भी कितनी अच्छे से सिक्के, कुरकुरी सिक्के तैयार हो गई है। बस अब हमें क्या करना है, जो रोटी है उसके ऊपर हमें घी लगा देना है। तो घी इसमें आप चाहे उतना लगा सकते हैं, अगर आप कम चाहें तो आप कम लगा लीजिए, पर ये घी के साथ में ये रोटी अच्छी लगती है। और घी हमने ऑलरेडी इसके आटे में भी डाल दिया है, तो बस ऐसे करके हम इसके अंदर घी डाल देंगे। तो और रोटियां भी हमने बना के तैयार कर ली हैं, और सारा घी हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। तो सब एक एक करके सारी रोटियों पे हम घी लगा देंगे, घी हम इस पे अच्छे से लगाएंगे।
तो आप देख सकते हैं, देखिए रोटी बनके हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, मैं आपको फिर मिलूंगी ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।